यहाँ पे नहीं है इसीलिए कोई मास्क नहीं पहना है ना। एक ही भाई ने मास्क पहना है बस, वो भी धूल से बचने के लिए। देसी वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज 4:50 इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर जौनपुर। कल जो करने वाले थे वो आज करेंगे फाइनली। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है पूरा, अभी बस जो सामान है वो पूरा बाइक पे सेट करना है एंड देन इसको छोड़ के निकल रहे हम लोग। अंकित फुल नींद में वहाँ पर रेडी हो गया अभी। अंकित तो निकल जाएगा यहाँ से लखनऊ की तरफ और हम लोग जौनपुर की तरफ जाएंगे। तो उसने ट्रेन का टिकट बुक किया है, दोपहर का ट्रेन है उसका, वो यहीं से डायरेक्ट हम लोग सीधा जौनपुर बाइक से। तो पिलियन बैठ के थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है, होता है सबके साथ होता है ऐसा। अभी क्या है, अभी फटफट अपने को निकलना है यहाँ से, क्योंकि फटफट आज का राइड करने है ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर 733 बता रहा है, 730 किलोमीटर का राइड है, 12-14 घंटे का राइड दिखा रहा है गूगल विद ब्रेक्स वगैरह। 12-14 घंटे करने में ट्राई करेंगे इसको, पर आज हो जाएगा जौनपुर ऐसा लगता तो है। अब लेट्स सी। सो व्हाट इज अप ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है दिल एनआवी सेवन। अभी फटफट मैं बाइक पे जाता हूँ, जितने भी है इसको अभी लोड करता हूँ बाइक पे एंड देन आपको बाइक पे मिलता हूँ। चलो भाई। सो गाइस, ट्रिप टू को ज़ीरो कर लिया मैंने। इट इज़ 5:26, रौनक की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम हो गया है उसमें अभी कुछ ना कुछ, तो वो मेरे को लगता है बॉम्बे जाके ही सॉल्व होगा, बट अभी स्टार्ट हो गई, पेट्रोल भी भरना पड़ेगा। मेरी बाइक से भी कुछ साउंड आ रही है, कुर कुर। उजाला होने के बाद ही चेक करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो रोड एकदम तो सुरसाट है, तो जितना टाइम जल्दी हो सके उतना टाइम कवर करने का ट्राई करेंगे हम लोग सुबह। और अभी चेक पोस्ट भी आ जाएगा भोपाल वाला, तो मेरे को तो वही टेंशन है चेक पोस्ट से हम लोग को बाहर निकलने देंगे या नहीं देंगे। अगर चेक पोस्ट से हम लोग बाहर निकल पाए बराबर, मतलब सेफली, तो नो टेंशन, आराम से जा सकते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो पूरा कचरे का पूरा महल बना हुआ है, कचरा ही पूरा। 67 का रेंज है, रिजर्व में गाड़ी, तो मैंने सोचा कि फुल करवा देंगे तो अच्छा होगा। बस 800 हो गया बाइक पे, और साउंड आ रहा अच्छा खासा, गुर। चेन सूख गया शायद रे, लूप करके देखते हैं ना पहले। उतरेगा नहीं चेन आपका, चेन लूप जी रोल दोनों है, तो क्यों रिस्क उठाने का, लगा देंगे ऐसा। मैं ना टायर घुमाता हूँ, तो बस लूप कर देना। आप घुमा रहे हो? मैं घुमाता हूँ। करो? नहीं नहीं, यहाँ से बता मैं करता हूँ। लोग बोलते हैं राइडिंग इजी है, मज़ा आती है, सब कुछ झेलना पड़ता है भाई, हलवा नहीं है। तो कर तो दिए चेन लूप, मोस्ट प्रोबेबली उसका आवाज़ बंद हुआ तो अच्छा। ओहो ब्यूटीफुल सनराइज देखता हूँ ना, एनर्जी फील होता है, एनर्जी ऐसा लगता है कि बस आज तो कर हर मैदान फतेह। मगर सही है यार, राइड पे निकले, सुबह सुबह का टाइम है, 6 बज रहा है, चेन लूप कर रहे हैं, पेट्रोल भर रहे हैं, अलग ही लाइफ है और अलग ही रुबाब है। ओहो भाई, इसका तो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, देखो हैंडल पूरा हिलता है, आवाज़ चले गई यार, फिर भी बाद में पास ध्यान से सुनेंगे, मेरे को लग रहा नहीं कि आवाज़ आ रही है, ट्रक 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 आवाज़ आ रही थी, अब नहीं आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो चेन का ही साउंड था। तो अगर सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम तो क्या टेंशन है, और मगर ये कुछ करना पड़ेगा, देखो ये हिलता है, ये ऐसे हिलना तो डेंजर है ना, स्टेबल होना चाहिए, दिस इज़ लाइक वॉबलिंग अच्छा खासा, स्टेबल नहीं हो तो ये मेरे को लगता है सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा ये राइड के बाद में, फिर बिल बनने वाला है अच्छा खासा। अच्छी बात ये है कि इसका अगर कॉन्सेट गया होगा तो वारंटी में मेरा क्लेम हो जाएगा, वारंटी में कॉन्सेट क्लेम होता है ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मेरे को बोला भी गया था एक्चुअली जब मैं बाइक ले रहा था। देखते वारंटी में क्लेम हो गया तो बढ़िया हो जाएगा। आगे लगता है पुलिस का बैरिकेड है, मेरे को सीधा ही जाना है सीधा, हवा भी भर लेते ना, राइड की शुरुआत में ये सब हो जाता है तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। Stranger now, your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on to a fairy tale? But
the magic's gone. Been months of buffing the bushes and faking the butterflies. Wake up. सुनना, ये वही जगह है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा. हाँ ये देखो कर्क रेखा. क्या सीन है यार इधर का? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है. दो पार्ट को डिवाइड करता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एको नहीं, वन नहीं चालू है ना? चालू है व्लॉग. मेरा नॉलेज एकदम गंदा है. जो भी है, टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे. थोड़ा हम लोग फोटो वोटो निकाले और अब आगे बढ़ रहे हैं. कुछ तो है इस प्लेस का इम्पोर्टेंस, मुझे नहीं पता एक्चुअली. तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना. थोड़ा ज्ञान बांटो, हम जितना ज्ञान बांट रहे हैं आप भी उतना ही ज्ञान बांटो, हमको भी ज्ञान मिलेगा थोड़ा. तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को. अभी डायरेक्ट सागर, सागर पे स्टॉप होगा हम लोग का. सागर पे मिलते आपको. विंडस्क्रीन बहुत गंदा हो गया है, इसको थोड़ा पानी मार के अपन साफ कर देंगे यार. कपड़ा रखता हूँ, हमेशा गायब हो जाता है मेरा कपड़ा यार. चलो कम से कम साफ तो हो गया. ओ भाई जाए कहाँ से जाए. मज़ा आती है इधर, कभी कभी बहुत ज़्यादा मज़ा आती है मेरे को इसे ड्राइव करते हुए. सही लगता है, गांव का फील है यार. गए सागर तो एंटर कर लिया हम लोग ने, तो पुलिस का बैरिकेड लगाया, मगर ये टोटल लॉकडाउन में आता है. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लेक है, पर रुक नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लॉकडाउन है. लॉकडाउन, सब कुछ बंद है, तो यहाँ पे क्यों रुके हम लोग अपना. सो गाइस, वी आर समवेयर बिटवीन सागर एंड धमोई. सागर में रुकने वाले थे हम लोग, बट देन सागर में बहुत ज़्यादा लॉकडाउन वॉकडाउन का चक्कर चल रहा था. कोरोना वोरोना का बहुत बहुत स्ट्रिक्ट था, टोटल लॉकडाउन है वो. तो हम लोग ने वहाँ रुकना सही नहीं समझा और आगे आ गए. अभी सागर से हम लोग ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर आ गए. अभी 216 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हम लोग ने और फर्स्ट ब्रेक लिया, फर्स्ट टी ब्रेक लिया है. अभी मिला खाने के लिए तो खा लेंगे, क्योंकि सुबह हम लोग नाश्ता करके नहीं निकले थे. बट स्टिल मैंने एक एप्पल खा लिया था कि 2-3 घंटा निकालने के लिए. बट अभी कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ताकि आगे बढ़ सके. राजेपुर करके कोई गांव है तो वहां पे जा रहे हैं हम लोग. बराही कुछ तो है, तो वहां पे जा रहे हैं हम लोग. आज का स्पीड बहुत अच्छा मेंटेन किया है और अभी 9 ही बज रहा है. 216 किलोमीटर पार कर लिया हमने कल के हिसाब से, तो बहुत अच्छा है. जाते खाते कुछ और फिर आगे बढ़ते हैं और डिटेल देता हूँ आपको आगे. रोड ट्रिप पे आप तो कुछ भी हो सकता है, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. ऐसे रोड ट्रिप पे निकलोगे तो टेंशन वेंशन लेना नहीं बिल्कुल भी. और टेंशन वेंशन सब हटा दो और हमेशा एकदम फ्री माइंडेड चलो. कुछ भी हो सकता है ये सोच के चलो, तो आपको बड़ा सा शौक नहीं लगेगा आपको अगर ऐसा सोच के चलोगे तो. वरना अचानक से कुछ भी होगा तो आप डर जाओगे, अरे यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया. तो टेंशन नहीं लेने का, चलते रहने का. रेलवे क्रॉसिंग है. ओ हो हो, ये देख बाय गॉड क्या हो गया, ये घुस गया है सीधा. रात में टर्निंग पे उसको ध्यान नहीं आया लगता है, सीधा सीधा घुस गया. अभी यहाँ पे टाइम टू टाइम स्पीड ब्रेकर मिलेंगे और ये नए टाइप के स्पीड ब्रेकर है. मतलब ये 21st सेंचुरी का स्पीड ब्रेकर, जो कभी कभी 3 लेवल में होता है, 5 लेवल में होता है, कभी कभी 6-7 लाइन से स्पीड ब्रेकर होते हैं अपनी मर्जी पे. मतलब मेरे को लगता है बोली लगती रहेगी, ये ले एक स्पीड ब्रेकर लगाओ, इधर इधर 2 लगाओ, इधर 3 लगाओ, इधर 4 लगाओ. समझ में नहीं आता मुझे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फालतू गिरी. जगह जगह पे ऐसे बैरिकेड्स लगाए गए हैं पूरे यूपी एमपी में. अभी तो एमपी में हम लोग, संडे है आज,
तो सैटरडे संडे तो एकदम भयंकर वाला लॉकडाउन है, और कोई कोई सिटी है जो पूरी तरह से लॉकडाउन है, मतलब पूरा बंद, मतलब बंद कर्फ्यू जैसा। अब कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा यार लोगों को। मस्त लोकेशन मिला है देखो, कड़क एकदम। तो फोटो निकालने के लिए रुक गया मैं। वो देखो सब खेल रहे, इधर खेल रहे, कपड़े वपड़े धुल रहे। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। फ़ोटो वोटो निकाला है, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके वहाँ पे जाके फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो आपके स्क्रीन पे आता होगा। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए यार, इतना मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई, और तुम लोग फॉलो नहीं कर सकते जो कि फ्री है। देखो क्या मस्त व्यू है उधर का, एक नंबर। और रोड भी काफ़ी ब्यूटीफुल है इधर का, खड्डे वड्डे का पैच आता है बीच में, ओवरऑल अच्छा रोड है। और झाड़ वाड़ के बीच में तो मेरे को और भी अच्छा लगता है, ऐसा रोड रहेगा ना तो मेरे को तो हाँ हाँ 30-40-50 के स्पीड में आराम से फटफट निकलना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ से, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि हल्की हल्की अभी बारिश की संभावना है। थोड़ा सुकून ही मिलेगा अगर बारिश आई तो, क्योंकि बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है। क्या मज़ा आ रही है, क्या मज़ा आ रही है, और क्या मज़ा आ रही है। अभी फ्यूल स्टॉप लेंगे पहला, क्योंकि रेंज इज़ अराउंड 46 किलोमीटर्स। सेकेंड फ्यूल स्टॉप 12:20, 304 किलोमीटर। क्या चाहिए भाई? अच्छा इधर थोड़ी लिखा है, मेरे को पूछो ना, बता दो ना। फुल कर दो, 300 सीसी का है। हाँ एवरेज, एवरेज बहुत कम है, 20-22 रुपया जीरो देखकर पेट्रोल डलवाया। अरे हम तो देखे नहीं कसम से। यहाँ पे नहीं है इसीलिए कोई मास्क नहीं पहना है ना, एक ही भाई ने मास्क पहना है बस, वो भी धूल से बचने के लिए। देसी वाला है, देसी वाला है। हो गया हो गया, अलग तक आ गया इसके 900। ये मेरा 929 हुआ। हाँ बुलेट, नहीं नहीं बुलेट नहीं है। अरे हमको भगा दिया उधर बम्बई से, हम इसके लिए आ गए इधर बम्बई से। हाँ बोले काम धंधा नहीं है, भागो इधर से, तो इसके लिए हम आ गए इधर। अब जौनपुर जा रहे, गाड़ी गाड़ी से आ गए, गाड़ी से आ गए। ये क्या लगा? ये कैमरा है, सीसी कैमरा है, सही बोले। चलो भैया चलते। अब फिर हो गया है पेट्रोल इसमें फुल, अब कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ से सीधा कटनी, रास्ता कटनी ही नहीं है भाई, इतना दूर है ये। ओहो क्या कर रहा है ये इतना स्पीड में, भाई भाई भौकाल है इसका तो, भौकाल। मैंने सोचा टाइम लगेगा, ये तो बहुत फटफट आ गया ट्रेन, मालगाड़ी जा रही है। हाय 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 हाय, कटनी 23 किलोमीटर है अभी यहाँ से, सुअर के बच्चे। 1.5 घंटा लगेगा यूपी आने को। कटनी आ गया है, अब एक जगह पे कहीं पे रुके ब्रेक लिया जाएगा। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 366 किलोमीटर आ चुके हैं। यहाँ से अभी प्रयागराज है अनदर 250 किलोमीटर, इसके बाद वही स्टॉप लेंगे। गाड़ी बहुत ख़राब हो गई है देखो, बहुत गंदी हो गई है, इसका बोल्ट ही निकल गया है यहाँ पे लगता है, ये इसका बोल्ट निकल गया है, लूज़ हो गया है, नट ही निकल गया है। ये तो कोई मैकेनिक मिलेगा तो ही ठीक होगा। अभी बाइक में कोई चीज़ चमक रही है ना, तो सिर्फ ये डिस्प्ले ही है, बाकी कुछ नहीं चमक रहा है, सब गंदा हो गया है। हो भाई भाई भाई, ये इतना गर्म हो गया है, इसको मैं अभी बैठेंगे ना मजबूत जलने वाला है, हालत खराब होने वाली है। अभी बहुत गर्मी है यार, हिसाब के बाहर गर्मी है, मतलब ऊपर से राइडिंग गियर्स, राइडिंग जैकेट, ये ग्लव्स पहनने में तो मुझे। चलो निकलते हैं, नेक्स्ट स्टॉप सीधा है ना अब UP-MP बॉर्डर या प्रयागराज। 253 किलोमीटर्स अलाहाबाद यानी प्रयागराज, और रोड एकदम सुरसाट है, सुरसाट, उन खींचेंगे बस सपाक। तो रोड ऐसे ही है, डायरेक्ट आपको मिलता है अभी नेक्स्ट स्टॉप पे,
और तब तक रफा जाऊँ मैं भी एंजॉय करता हूँ। बहुत अच्छे बहुत टाइम के बाद में अच्छा रोड मिला है। चलो एंजॉय करता हूँ और आप लोग भी देखते रहो भाई, देखते रहो, जाने का नहीं अभी, बहुत टाइम बाकी है। अरे यार मैं सोचा था फास्टेस्ट 100 मार दूंगा, ट्रैफिक लग गया। 3:34, 486 किलोमीटर हो गया अब तक। अरे क्या टाइम वेस्ट है यार ये। मैं इसके लिए रुका, वो अंदर रेवा के अंदर जा रहा ना रास्ता, ये बाईपास है। हाँ 20 किलोमीटर, 1 आवर, 1 आवर और कुछ 16 या 17 मिनट लगी। हाँ 1.25 घंटे में 120 किलोमीटर हो गया। 1 घंटे में 100 किलोमीटर हो जाता आराम से ना। 20 मिनट में गिरा हेलमेट, स्क्रैच आ गया। इस रास्ते से तो मैं पहले कभी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम है मेरा इस रास्ते से। लास्ट टाइम जब मैं वहाँ गया था देखा आपने, डेंजर है डेंजर। आगे यूपी क्रॉस करेंगे तो ये गंगा रिवर है। ओहो सो गाइस दिस इज गंगा रिवर, इसके उस तरफ एमपी है और उस तरफ यूपी है। जैसे क्रॉस करेंगे हम लोग यूपी में पहुंच जाएंगे। हो गए एंटर, हमको लगा कि हमको रुका देगा वहाँ पे। तो हाईवे पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अंदर सिटी वगैरह में टोटल लॉकडाउन, कहाँ कहाँ पे, कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है। यूपी बॉर्डर, अभी यूपी में हम लोग, यूपी में। चलो भैया 864 रुपये का पेट्रोल आया मेरे इसमें अभी, एंड यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 81 रुपीज़। और पीछे मैंने 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया था एमपी में, उसका प्राइस था 90 रुपीज़। तो 9 रुपये का फ़र्क है, 9 रुपये का फ़र्क है 1 लीटर में, 10 लीटर में 90 रुपये का फ़र्क है। मतलब सीधा सीधा 1 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा आ सकता है, तो इसलिए मैंने पीछे भरवाया नहीं था, अवॉइड कर रहा था एमपी में पेट्रोल भरने के लिए। बट हो गया अपना काम। इट इज़ 6:30 राइट नाउ, ऑलमोस्ट प्रयागराज एंटर कर चुके हैं। 2 किलोमीटर बचा है, ये गंगा नदी है और वो गंगा घाट। गाइस दिस इज़ प्रयागराज, प्रयागराज में हम लोग, मेजर चीज़ें सब कुछ बंद है, बड़ी बड़ी चीज़ें। यहाँ से उसका घर ऑलमोस्ट 77 किलोमीटर्स है, अभी 75 दिखा रहा है, 2 घंटे का रास्ता है। तो इट इज़ 6:40 तक हम लोग शायद पहुँच जाएंगे। तो एक पानी का ब्रेक वगैरह कुछ ले लेंगे हम लोग। इधर तो 5 किलोमीटर सही से चला रहो, रोड ही नहीं, अंधेरा हो गया है पूरा। हाँ 7:45 बज रहा है और रोड ही नहीं है भाई, बहुत गंदा हाल है इधर का। तो दिन में आते तो एडवेंचर जैसा ऑफ रोडिंग कर सकते थे, अभी रात में क्या एडवेंचर ऑफ रोडिंग करेंगे यार। बहुत गंदा है और धूल भी बहुत है, धूल है यार। फाइनली रीच्ड जौनपुर, जौनपुर से अराउंड 20 किलोमीटर पहले हम लोग, एंड एक फ्रेंड के घर पे अभी हम लोग। तो कहाँ है कैसे ये सब डिटेल आपको अगले वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। बहुत हालत ख़राब हो गई, लास्ट प्रयागराज से जौनपुर आने के जो बीच में 3-4 किलोमीटर का एक पैच है, इतना गंदा पैच क्या बताओ कैसा पैच है। टोटल ऑफ रोड तो, बट सेफ एंड साउंड पहुँच गए। एक्चुअली थक गया हो यार बहुत ज़्यादा, कहाँ रह रहा हो कैसे रह रहा हो ये सब अगले ब्लॉग में बताऊँगा आपको। अभी बहुत गर्मी है यहाँ पे, मतलब लाइट है ये थोड़ी देर पहले, तो विलेज वाला फील अंदर से निकाल रहा है अभी मुंबई से। एनीवेज गाइस इट इज़ टाइम टू एंड दिस ब्लॉग, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एडवेंचर हो गया सब कुछ हो गया इस वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप and do subscribe to my channel guys. You can also follow me on Facebook, Twitter and Snapchat, links are in the description below. Till then bye, take care, see ya, tata and much chaate raho. Chalo guys bye, take care.